नमस्कार, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ काली आपका स्वागत करता है। मैं रामलाल लैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज मैं राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र के विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान के अर्थ के विषय में जानकारी दूंगा। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र समूह अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द समूह का हिंदी रूपांतर है, जो पॉलिटिकल शब्द से बना है। पॉलिटिकल शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका उस भाषा में अर्थ है नगर राज्य। नगर राज्यों की स्थिति, कार्य प्रणाली एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले विषय को ग्रीस निवासी पॉलिटिक्स कहते थे। वर्तमान में राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिनका संबंध उनके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान की उतनी परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति के लेखक हैं। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का विभिन्न परिभाषाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला नंबर, परंपरागत दृष्टिकोण। इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर, राजनीति विज्ञान की और राज्यों के अध्ययन है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दूसरा नंबर, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। इस पर चर्चा करते हुए राजनीति विद्वान ली कॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, उस सरकार से जिसका आधार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूलभूत विचार है। तीसरा नंबर, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। इस विषय में गिलक्राइस्ट ने अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है। परिभाषा संबंधी आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। पहला था परंपरागत दृष्टिकोण, अब परिभाषाओं से संबंधित जो दूसरा वर्ग है, परिभाषा संबंधी आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसमें राजनीति विद्वान लॉसवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान का अभीष्ट वह राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। इसी के विषय में रॉबर्ट ए डहल कहते हैं, किसी भी राजनीति व्यवस्था में शक्ति, शासन अथवा सत्ता का बड़ा महत्व है। संक्षेप में, राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिनका संबंध उनके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है, तथा उस अध्ययन से वह मनुष्य के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक आदि सब पहलुओं के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए यह देखता है कि मनुष्य के जीवन को राजनीतिक पहलू उसके अन्य पहलुओं का और अन्य पहलू उसके राजनीतिक पहलू का परस्पर किस रूप में प्रभावित करते हैं। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का पर्याय इसकी विषय वस्तु है, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के विषय वस्तु पर राजनीतिक वैज्ञानिक एकमत नहीं है। सभ्यता
संस्कृति तथा विकासशीलता के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परिवर्तनशील रहा है। इस प्रकार राज्य, सरकार और मानव तीनों ही राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है। इन तीनों में से किसी एक के बिना भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को पूर्णत्व प्राप्त नहीं हो सकता। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित विषय सामग्री निम्नवत है। फर्स्ट नंबर पर राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तत्व राज्य है, क्योंकि डॉक्टर गॉर्डन ने तो यहाँ तक लिखा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है। इसी को आगे बढ़ाते हुए गिलक्राइस्ट ने लिखा है, राज्य क्या है, राज्य क्या रहा है और राज्य क्या होना चाहिए। राजनीति विज्ञान यह बताता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य की अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ही अध्ययन किया जाता है, जिसका विवेचन निम्नवत है। पहला, राज्य का अतीत या ऐतिहासिक स्वरूप। राज्य के सही अध्ययन के लिए राज्यों के अतीत या उसके ऐतिहासिक स्वरूप को जानना आवश्यक है, क्योंकि अतीत में राज्य को नगर राज्य कहा जाता था और राज्य में ईश्वर का अंश मानते हुए उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा की आज्ञा सर्वोपरि कानून थी। इस प्रकार राज्य के पास असीमित शक्तियां थीं, परंतु धीरे धीरे नगर राज्यों के आकार में वृद्धि होती गई और राज्य संबंधी विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता रहा। राज्य के अतीत के अध्ययन में राज्य की उत्पत्ति, उसके संगठन, उसके आधारभूत तथ्यों, यूनानी शासक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक विचारों का विकास, राजनीतिक क्रांतियां, उनके कारण और परिणाम, राज्य के सिद्धांत, उद्देश्य एवं प्रभुसत्ता का ऐतिहासिक स्वरूप आदि सम्मिलित है और ये तत्व ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है, जिनका परिमाण राज्य का वर्तमान स्वरूप है। दूसरे नंबर पर राज्य का वर्तमान स्वरूप। राज्य का वर्तमान स्वरूप इसके अतीत के क्रमिक विकास का ही परिणाम है, जो कि प्राचीन नगर राज्यों की सीमाओं में वृद्धि हो जाने के कारण ही संभव हो सका। उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों का रूप धारण कर लिया और इससे भी अधिक अब तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर संपूर्ण विश्व के लिए ही एक राज्य अर्थात विश्व राज्य की कल्पना की जाने लगी है। इसलिए विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु बन गए हैं। आधुनिक युग में राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था माना जाता है, अतः आज मानव जीवन को भी ऐसा पक्ष नहीं है मानव जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो किसी न किसी रूप में राज्य के संपर्क में ना आता हो। इसलिए मानव व सामाजिक जीवन को सुखी बनाने और उसके सर्वांगीण विकास हेतु राज्य द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन व राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तीसरा नंबर, राज्य की भविष्य या भावी स्वरूप। राज्य के अतीत के आधार पर, वर्तमान के आधार पर राज्य के भावी आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की जाती है। इस प्रकार वर्तमान सदैव ही सुधारों का काल बना रहता है। अतीत एवं वर्तमान की त्रुटियों एवं असफलताओं के दुष्परिणामों के अनुभवों में भविष्य का पथ प्रशस्त होता है। इन अनुभवों के आधार पर ही राज्य के भावी आदर्श स्वरूप के निर्धारण में इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जाता है। अतीत और वर्तमान की समस्त
उपलब्धियां तो राज्य के आधार के रूपों में बनी रहे परंतु त्रुटियों एवं असफलताओं की पुनरावृत्ति ना हो। राज्य के अतीत और वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा एक आदर्श राज्य के स्वरूप की भिन्न भिन्न रूपरेखाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य के एक श्रेष्ठ सुखद कल्याणकारी एवं आदर्श स्वरूप की कल्पना करता है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। जय हिंद, धन्यवाद।